हेलो गाइस, मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हब स्टडी पॉइंट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरा यह बीजगणित पर जो है एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। जैसा कि हम लोग बीजगणित में प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो यह मेरा वीडियो जो है सातवां वीडियो है। तो इस पर आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, जो बीजगणित पर अभी हमने जितने भी आपको फॉर्मूले बताया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि यदि a माइनस वन बाई ए माइनस थ्री इक्वल टू फाइव, तो a माइनस थ्री का होल क्यूब माइनस वन बाई ए माइनस थ्री का होल क्यूब का वैल्यू जो है आपसे पूछा है। तो बहुत ही सिंपल का सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है a माइनस वन अपॉन a माइनस थ्री इक्वल टू गिवेन है फाइव, देन फाइंड करना है a माइनस थ्री का होल क्यूब माइनस वन बाई ए माइनस थ्री का होल क्यूब आपसे फाइंड करना है। ठीक है गाइस, तो इसमें देखो यहाँ a माइनस थ्री है, यहाँ भी a माइनस थ्री है, यहाँ a माइनस थ्री है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी a माइनस थ्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइव है इसको हम कर लेंगे थ्री प्लस टू, क्या कर लेंगे थ्री प्लस टू, और थ्री को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो थ्री इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो a माइनस थ्री हो जाएगा माइनस वन अपॉन a माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ क्या रिमेनिंग हुआ तो टू। क्लियर गए, तो इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भी हो गया a माइनस थ्री, यहाँ पे भी हो गया आपका a माइनस थ्री। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया था कि a माइनस वन बाई ए इक्वल टू अगर k हो, और आपसे पूछा है कि अगर a क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब, तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है इस पर फार्मूला बनाया बताया था। क्या मैंने बताया था अगर आपको याद होगा, तो k क्यूब प्लस थ्री के, क्या बताया था के क्यूब प्लस थ्री के। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान में रखना है के प्लेस पे यहाँ पर क्या है दो है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो का क्यूब और प्लस थ्री इंटू दो, यानी हमको के प्लेस पर केवल दो यहाँ पे पुट कर देना है। तो दो का क्यूब हो गया आपका आठ, और प्लस तीन दूनी छः, यानी आठ और छः हो गया फोर्टीन। तो इस तरह से हमारा आंसर गाइज हो जाएगा फोर्टीन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, देन फाइंड द वैल्यू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यह भी आसान सा क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको जैसा कि पहले ट्रिक पे बताया था, पहला वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस मॉडल थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, ये गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, इसका इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री एक्स। क्लियर गाइस, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस इस तरह से दिया है, और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये जो गाइस जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हम रिटेन कर सकते हैं, और इसमें भी ये इस वाले जो पोर्शन में है इसको साथ में लिख करके थ्री कामन ले सकते हैं। तो इन दोनों इसमें और इसमें क्या कामन है थ्री, थ्री कामन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस वन और माइनस फोर एक्स अपॉन। यहाँ पर देखते हैं तो हम इसको और इसको साथ में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन साथ में लिख लिया, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स कर दिया। बात मेरी आप समझ पाए, तो चले अब यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू किसके इक्वल है थ्री एक्स, यानी हम इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं थ्री एक्स। तो ये आपका हो जाएगा थ्री इंटू, इसके प्लेस पर क्या रखना है थ्री एक्स, तो हमने थ्री एक्स यहाँ पे पुट कर दिया माइनस फोर एक्स अपॉन, ये हो गया इसके भी प्लेस पर क्या रखना है थ्री एक्स रखना है, तो थ्री एक्स माइनस एक्स। इस तरह से ये हो गया थ्री थ्री जा नाइन एक्स, में से फोर एक्स निकल गया, तो ये हो गया फाइव एक्स अपॉन टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारा आंसर मिल गया फाइव बाई टू। तो इस तरह से हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिया है वैल्यू टू, जब भी वैल्यू टू दिया हो चाहे प्लस का हो, फिर यहाँ पे प्लस हो और इज इक्वल टू दो दिया हो, तो आप सीधा से इसका जो है वैल्यू फाइंड कर लिया करें, ठीक है। या सीधा आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू दिया है तो x की वैल्यू हमेशा वन आने वाली है, ठीक है। दिया है x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी यह इस तरह से बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, वन, ठीक है। तो जब भी अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू दिया रहे तो आप डायरेक्टली बस आपको याद रखना है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, वन। तो x की वैल्यू अगर वन है तो अब आपसे पूछा है कि x पे पावर 2013 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 2014। अब x के प्लेस पे क्या रखना है, एक रखना है, क्योंकि x का मान क्या आया है, एक, तो x के प्लेस पे हमने एक रख दिया, 2013 प्लस एक बटे एक पे पावर 2014। अब एक पे पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी, और एक बटे यह भी एक ही आएगा, तो एक प्लस एक इज इक्वल टू क्या हो गया, दो, तो दो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो दो इज द करेक्ट आंसर, डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो दिया है तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए गाइस देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर फोर गिवन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसमें आपको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर इसको और इसको साथ में रखना है और इसको इसको साथ में रखना है, तो हम इसको इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको और इसको साथ में रखा, प्लस है प्लस लगा दिया और इनको साथ में रखना है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो हमको वैल्यू जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, तो इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई जो है करना है, क्या करना है कि एक्स से भाग देंगे दोनों पक्षों में, तो एक्स से अगर हम भाग देंगे, इधर भाग देंगे तो जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं, जब अगर हम इधर भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, तो सभी पदों में जो है जितने पद हैं सब में हम एक्स से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या मिल किया जाता है, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू यहाँ क्या बचा, माइनस थ्री, तो ये यहाँ क्या बचा, माइनस थ्री, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस थ्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू थ्री है तो यहाँ पर तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू थ्री है, तो यहाँ पे हमने थ्री पुट कर दिया। इसको कैसे करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसका स्क्वायर करना है और दो माइनस कर देना है, ठीक, इसका स्क्वायर करना है और दो क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो इस तरह से, तो नौ में से दो निकल गया सात और प्लस तीन, यानी हमारा आंसर क्या मिल गया, दस, तो दस हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू है तो x की वैल्यू सीधा क्या आपको पुट करनी है, वन रखनी है, ठीक। अब चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो यहाँ पे, तो x की वैल्यू पे हम क्या रखेंगे, तो वन, वन पे पावर ट्वेल्व माइनस वन अपान वन पे पावर ट्वेल्व, तो ये वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग छः की तरफ चलते हैं।
यदि 7x बाई 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स, तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखें, गिवन क्या है, 7x बाई 2 प्लस 14 इज इक्वल टू दिया है 7 बाई एक्स। जो फाइंड करना है वह है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर गाइस, इसको ऐसे भी हम जो है रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यानी एक्स के साथ जो है किसी डिजिट का नहीं है, तो यहाँ पे जो डिजिट 7 है इसको करना है एलिमिनेट। यहाँ से इसको क्या करना है, हमको गायब करना है, हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करें कि दोनों पक्षों में जो है 7 से भाग दे दें, 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और 7 से जब भाग देंगे तो देखो गाइस, जब 7 से भाग देंगे तो इसमें भी बटे में 7 रहेगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो एक बार लिख देता हूँ, तो 7x बाई, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 2, यानी 7 से जब भाग देंगे तो 2 का गुणा किसमें हो जाएगा, 7 में, प्लस 14/2 इक्वल टू 7x × 7। तो सभी पदों में हमने क्या किया, यहाँ 7 है, सभी पदों में हमने क्या किया, 7 से भाग दे दिया। तो यहाँ 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 3 पद थे, तीनों पदों में हमने 7 से भाग दे दिया। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ हो गया 7 × 2, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया। इस तरह से बन गया x बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई एक्स। अब इसको थोड़ा सा इधर हम अगर करें, ये हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो वर्ग करने पर, क्योंकि स्क्वायर चाहिए तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वर्ग जब करेंगे तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एक बार आप लिख सकते हो, चलो एक बार लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। तो एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसका ओपन करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सभी लोग फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 × a। a यानी क्या है, एक्स बाई 2 है और b क्या है, 1 बाई एक्स है, इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमको अब क्या मिल गया, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर केवल क्या बचा है, अब यहाँ पर केवल 1 बचा, तो माइनस 1 है ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बात मेरी आप समझ पाए। आप क्विकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, सब हमको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ पर उतना जरूर आप जल्दी से जल्दी और शॉर्ट बना सकते हैं। क्लियर गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन SSC CGL CHSL के आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सभी 2015, 16, 17, 18 में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ये सब क्वेश्चन जो है इस तरह से SSC जो है पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यह भी SSC CGL 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि x इज इक्वल टू 11 और आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है कि x पे पावर 5 माइनस 12x पे पावर 4 प्लस 12x पे पावर क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है गाइस, आपको करना क्या है, ये जो 5 है, x पे पावर 5 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते x × x पे पावर 4, बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी घात क्या होगा, 4, और गुणा करते समय घात जुड़ेगा तो 4 और 1 5, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है।
अब इस यक्स के प्लेस पर, क्योंकि यक्स का मान कितना है 11, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 11 यक्स पे पावर 4। बात आप मेरी समझ पाए? यानी मैंने इसको लिखा x इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 12 एक्स पे पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1। हमने इस x के प्लेस पर x की वैल्यू रख दिया कितना 11, तो यहाँ हमने रख दिया 11 एक्स पे पावर 4 माइनस 12 एक्स पे पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, तो माइनस एक्स पे पावर 4, ये 11 है, ये 12 है, 12 वाला जार बड़ा है इसलिए सिंबल हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ पे फिर वही अपनाएंगे जैसे हमने x पे पावर 5 को इस तरह से लिखा था, तो हम अब लिखेंगे x माइनस x इंटू एक्स का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और जब ऐसा अगर करेंगे तो हम x के जगह फिर वही रखेंगे 11, तो ये हो जाएगा माइनस 11 एक्स क्यूब। अब यहाँ पे माइनस x से 11 एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है प्लस 12 एक्स क्यूब है, तो अब ये 12 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा गाइस, तो अब ये बचेगा आपका x क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1। बात आप मेरी समझ पाए? अब फिर हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1 गाइस। फिर यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे 11, अब देखो ये 11 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 1। फिर से गाइज हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को प्लस 12 एक्स माइनस 1। अब यहाँ x के प्लेस पे हम गाइज क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 यानी क्या आ गया गाइज, तो हमारा आंसर इस तरह से 10 आ गया, तो B इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस प्रोसेस बाई प्रोसेस करना था आपको, आप सोच के भी जो है जल्दी क्विकली कर सकते थे, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आप किए होंगे तो आप क्विकली जो है कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये सब क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस बेस्ड होता है कि आपका माइंड जो है क्विकली जो है काम करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि p इक्वल टू 99 देन p ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस p, तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है गाइस। तो p इक्वल टू कितना दिया है 99 वैल्यू गिवन है, आपसे पूछ रहा है पी ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 3p और प्लस p। अगर मल्टीप्लाई अगर हम इसका कर देते हैं गाइस तो ये कुछ इस तरह से दिखता है पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर और प्लस गाइस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे p से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो क्या हो जाएगा 3p। अब गाइस थोड़ा सा इसको अगर देखें तो p का ये होल क्यूब है प्लस 3p अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस 1 बचेगा, और इंटू अगर 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b वाला पोर्शन है, a के जगह p है और b के जगह क्या है गाइस 1 है, तो इसका मतलब अगर मैं इस पोर्शन में क्या करूँ कि 1 का क्यूब जो है ऐड कर लूँ, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 हम जोड़ लें और 1 हम क्या करें घटा दें ताकि उसके वैल्यू में कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से मैंने लिखा कि p का क्यूब प्लस 3p इंटू 1 यानी 3a इंटू b ब्रैकेट में p प्लस 1 और प्लस 1 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। इतना आप अगर देख पा रहे हैं तो यह एक फार्मूला बन गया किसका, p प्लस 1 का होल क्यूब, p प्लस 1 का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो गाइज यही पूरा इतना आएगा, अब माइनस क्या हो गया 1। p की वैल्यू गाइज दिया है, p की वैल्यू कितनी दिया है 99, तो यहाँ पे हमने रख दिया 99 प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का होल क्यूब माइनस 1, और 100 का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो कितने जीरो बढ़ाएंगे 6 जीरो, ठीक 2 2 4 और 2 6 और माइनस 1। अब अगर हम 1 घटाते हैं
तो 9 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। इस तरह से गाइज हमारा आंसर हो जाता है सी इज द करेक्ट आंसर। तो 9,99,999 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यदि a प्लस 1/a दिया है, आपसे पूछ रहा है कि a पे पावर 6 प्लस a पे पावर 1/a पे पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर गाइज? तो चलिए हम लोग इसको एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो दिया है गाइज a प्लस 1 a प्लस 1/a इक्वल टू 4√2 और आपसे पूछ रहा है a पे पावर 6 अपान a पे पावर 6 की वैल्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर पहले क्यूब करना है फिर स्क्वायर करना है। तो पहले घन करना है, किसका, इसका। क्या करेंगे, घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो आप फार्मूला आप जानते होंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/a क्यूब। क्लियर गाइज? मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आ जाए। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, दोनों पक्षों का क्यूब, प्लस 3ab यानी a इंटू 1/a और ब्रैकेट में a प्लस 1/a। एक बार आपको पूरा बता दे रहे हैं। और 4 का क्यूब हो गया भाई 64 इंटू अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे तो 2√2। 4 का क्यूब 64 और 2 अंडर रूट 2 का हो जाएगा क्यूब 2√2। ठीक है, इतना तो आपको बेसिकली आना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी, 4√2। ठीक है ना, a प्लस यहाँ पे गिवन है, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 4√2। तो a प्लस 1/a के प्लेस पे हमने 4√2 रख दिया, तो 64 गुना हो गया 128√2। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हो गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 128√2। ये प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, चार यही 12√2। तो ये आ गया आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 128 में से 12 निकल गया, तो 8 में से 2 6 और यहाँ 2 में से 1 116√2। तो मैंने बताया भाई पहली बार क्या करना है, घन करना है और दूसरी बार आपको क्या करना है, वर्ग करना है। अब हम करेंगे वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6 प्लस 2। ठीक है, वर्ग करना है तो मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया है, इसका आप करोगे वर्ग और 2 घटा दोगे, तो 116 का अगर हम वर्ग करते हैं और अंडर रूट 2 से, तो ये 2 हो जाएगा और 116 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 26,912। ठीक है, 26,912 और 2 तो घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 26,910। ठीक है, तो बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसका वर्क करना आपको आता रहे। तो 126,912 में से 2 निकाल लिया तो 26,910 बचा। तो यह था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर गाइज? तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस सेशन का। तो इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2p/(-2p+1) इक्वल टू 1/4 देन फाइंड दी वैल्यू p+1/p। तो दिया है आपको 2p/(-2p+1) इक्वल टू दिया है 1/4। फाइंड आपको करना है p+1/p की वैल्यू। फाइंड आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए गाइस, तो इसका क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा गाइस, तो 4×8 पी इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा p²-2p+1। क्लियर है गाइस? इसको आप ऐसे भी रिटेन कर सकते हैं, पहले आप इसको लिखें p
पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इक्वल टू एट पी। एट पी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्विकली आप जो है सॉल्व करने के, तो पी स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका टेन पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे तो p से दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो p से भाग देंगे ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस टेन पी अपॉन पी, जितने पद हैं सभी में p से क्या करेंगे भाग देंगे, प्लस वन बाई पी इक्वल टू जीरो अपॉन पी, तो इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो p से एक p कैंसिल हो गया, p हो गया, ठीक है, यहाँ p से p कैंसिल हो गया, देखो यहाँ p बचा, यहाँ क्या बचेगा प्लस, प्लस है प्लस लगाया वन बाई पी, और यहाँ बचा आपका माइनस दस इक्वल टू जीरो, माइनस दस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका p प्लस वन बाई पी इक्वल टू दस, यानी ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिल जाता है, दस। तो दस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये रहे हमारे आज के सेशन का जो सातवां वीडियो है, आप मेरे वीडियो को जो है देखें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो है दूसरे स्टूडेंट को एसएससी सीजीएल का जो कि 2022 में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको जो है बेनिफिट मिल सके। और जल्द से जल्द जो है आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है सर्वर डाउन होने की वजह से आप फॉर्म लास्ट में न भर पाएँ। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी से जल्दी हो वो आप जो है फॉर्म जो है फिलअप कर दें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।